Good morning, students. Today's our topic is distribution of major industries. The world's major industries are the iron and steel industry. तो world की जो major industry है वो है iron and steel industry, the textile industries and the information technology industries. तो इन ये तीन जो है वो major industries हैं, इनके बारे में हम जो है वो आगे पढ़ेंगे. The iron and steel and textile industries are the older industries. ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है वो पुरानी है. वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो जो नई जो है इंडस्ट्री जो है वो. द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड, वो कंट्रीज जहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो है आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान. द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब मीन बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है. जहां इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर जो है वो ये वाले जो एरिया है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बेंगलोर के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है. अब नेक्स्ट आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स. जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था तो उसके अंदर जो इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट की जो एक्टिविटीज होती है उसी तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है ये तीनों प्रोसेस बताए हुए हैं. दिस इज ए फीडर इंडस्ट्रीज, तो ये जो है फीडर इंडस्ट्री मीन सभी इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल के तौर पर जो है वो प्रोवाइड करवाती है प्रोडक्ट. हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, इनके प्रोडक्ट जो है जो ये वाला है वो दूसरी फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको फीडर इंडस्ट्रीज कहा जाता है. द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो इनपुट्स के अंदर आता है. उसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर क्या है, सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, अलोंग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सभी जो है वो इनपुट्स के अंदर आते हैं. और प्रोसेस के अंदर क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इन टू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस. आयरन ओर से इसको स्टील में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सी स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है. द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो जो आयरन ओर है रॉ मटेरियल है उसको जो है वो ब्लास्ट फर्नेस मीन्स एक भट्टी में, आग की भट्टी में डाला जाता है. वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, जहां उसको जो स्मेल्ट किया जाता है मीन्स पिघलाया जाता है. इट इज देन रिफाइंड, तब उसको रिफाइन करना मीन्स शोध किया जाता है. द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील, तो जो वो उसके रिफाइन करने के बाद जो आउटपुट आती है उसको स्टील के तौर पर हमें मिलती है. विच मे बी यूज बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, तो उस स्टील को हम दूसरी इंडस्ट्री के कच्चे माल के प्रयोग में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं. स्टील इज टफ एंड इट कैन इजली बी शेप्ड, स्टील जो है वो टफ होता है, उसको आसानी से शेप दी जाती है, जैसे आपको इसके अंदर दिखाया हुआ है. तो ये आयरन ओर है, ये लाइमस्टोन का दिया हुआ है, ये स्टील जो है इसको जो है वो फोल्ड किया जाता है, शेप दी जाती है, कट किया जाता है इसको और मेड इनटू वायर, और इसको जो है वो वायर के रूप में भी जो है बनाया जाता है. स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग, तो इसका जो स्टील के अंदर कुछ और मेटल भी एड करके, मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर, वो भी जो है वो इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं. तो अलॉय जो अलॉय मिक्स करते हैं उसके साथ बाद जो है अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, तो उससे जो है वो स्टील के जो है वो हार्डनेस मिलती है, टफनेस मिलती है और एबिलिटी टू रिसिस्ट रस्ट, और जंग लगने से भी इसके अंदर की बचाव करने की योग्यता जो है होती है जब इसके अंदर हम जो है वो अदर मेटल्स भी ला कर देते हैं. स्टील इज ऑफन द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, स्टील को दूसरे जो आधुनिक है फैक्ट्रीज है उसकी बैकबोन कहा जाता है. जैसे
हमारे जो है वो बैकबोन के बिना, स्पाइनल कोड के बिना हम खड़े नहीं हो सकते। उसी तरह हर इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर जो है वो स्टील जो है वो उसको उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको बैकबोन कहा जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स और मशीनरीज ऑफ दीज मेटल्स। तो हम कोई भी चीज है तो उसके अंदर जो है वो चाहे कोई टूल्स है चाहे मशीनरी है तो उसके अंदर आयरन स्टील को जो है वो प्रयोग किया जाता है, उसको मिलाकर ही ये जो टूल्स बनते हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोस, ये भी अगर चीजें बनानी हो, चाहे शिप बनाना हो, ट्रेन्स बनानी हो, आर मेड लार्जली ऑफ स्टील्स। इसके अंदर भी जो है वो स्टील का प्रयोग होता है। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। हम जो सेफ्टी पिन और नीडल्स सुइयों का प्रयोग करते हैं वो भी स्टील की बनी होती हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। ऑयल वेल्स होते हैं अगर तेल निकालने वाले कुएं, उनमें से हमने निकालना हो तो वो भी जो है वो स्टील मशीनरी के द्वारा ही हम उसका प्रयोग करके जो ड्रिल करते हैं ऑयल वेल्स से। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, तो जो पाइपलाइन बिछाते हैं जिसमें से ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो भी जो पाइपें जो है वो स्टील की बनाई जाती हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स, जो खदानों में से मिनरल्स निकाले जाते हैं वो भी जो है वो स्टील के उपकरणों की सहायता से निकाले जाते हैं। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, तो कृषि के अंदर जो मशीनों का प्रयोग किया जाता है वो भी स्टील की बनी होती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी हैव स्टील फ्रेमवर्क, तो बिल्डिंग बनाने का फ्रेमवर्क बनाना हो वो भी स्टील से बनाया जाता है। बिफोर 1880 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजली अवेलेबल। 1800 ईस्वी पूर्व से पहले जो स्टील इंडस्ट्रीज थी वहां स्थित थी जहां पर कच्चा माल, बिजली की सप्लाई और पानी की सुविधा जो थी उपलब्ध होती थी वहां पर जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो स्थापित थी। बाद में क्या हुआ, लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज वाज नियर कोल फील्ड। बाद में जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन जो है वो कोयले की जो फील्ड जो था वो उसके पास भी स्थापित होने लगी एंड क्लोज टू कैनाल्स, और जहां पर नहरें को भी जाल बिछा था वहां भी जो थी इंडस्ट्री जो है वो डेवेल्प होने लगी। एंड रेलवे, वहां रेलवे की सुविधा भी मिल जाती थी, रेलवे की कैनाल्स के द्वारा पानी की और कोल फील्ड की सुविधाएं जहाँ थी बाद में जो है वहां इंडस्ट्री जो है स्थापित की जाने लगी। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड। 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो लार्ज एरिया था फ्लैट लैंड का, नियर सी पोर्ट, समुद्र के आसपास जो था फ्लैट लैंड के एरिया पर भी जो है स्टील इंडस्ट्रीज स्थापित की जाने लगी। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम, ये इसलिए किया गया क्योंकि उस समय स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज, स्टील वर्क काम जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, और आयरन ओर को जो था बाहर से जो है वो समुद्र के ओवरसीज के से जो है वो इम्पोर्ट किया जाता था। इसलिए जो है वो बाद में जो 1950 के बाद जो लार्ज एरिया था सी पोर्ट के आसपास वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप होने लगी। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो भारत के अंदर जहां पर कच्चे माल की सुविधा, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट ये अवेलेबल थी जहां पर, वहां पर जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो स्टील इंडस्ट्रीज खुलने लगी। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, तो जो स्टील को प्रोड्यूस करने वाले मेन जो सेंटर थे सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन ए रीजन, वो ऐसे क्षेत्र में स्थित थे दैट स्प्रेड्स ओवर फोर स्टेट्स, जो कि चार जो स्टेट्स के द्वारा जो है वो फैले हुए हैं। ये जो एरिया है उनके साथ जो स्टेट्स लगती हैं वो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर जो भद्रावती और विजयनगर जगह है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश,
Salem in Tamil Nadu are other important steel center utilizing local resources. तो ये वाले जो स्टील सेंटर है वो भी वहां के जो स्थानीय संसाधन है उनका प्रयोग कर रहे हैं। ये इंडिया के अंदर जो है वो जहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज स्थित है और पहले जो थी वो जिन जहां पर उनको बिजली की पानी की ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती थी वहां पर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में करवाया जाएगा।